गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ देवी विस्टा सिक्किम से और आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो गाइस, अभी टाइम हुआ 8 बज गया है और मैं उठ के ना क्या करी, ब्रश कर लिया और मुंह धो लिया। उसके बाद इतना ही, और पानी गर्म कर नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए रखी हूँ। और आप लोगों ने क्या कहा, शीतल झा, मनीषा जैन और क्या नाम था, भूल गए मैं, 6-7 लोगों ने मुझे कहा था कि आप ना येलो फूड चैलेंज कीजिए, 24 आवर्स येलो फूड खाने की चैलेंज कीजिए। तो मैंने सोचा आज कर लूँ, तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी शुरू कर रही हूँ माजा, रसीले आम की माजा से। तो येलो फूड खाना मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, खाना नहीं, ये तो पीना है। तो गाइज, यदि आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी भी बजा देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग ऐसे कौन कौन से फूड चैलेंज देखना चाहते हो, प्लीज़ ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर ज़्यादा बकबक ना करते हुए आज का चैलेंज स्टार्ट करते हैं। और 8 बजे से कर रही हूँ मैं 24 आवर्स फूड चैलेंज, येलो फूड चैलेंज। तो अभी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 ग्लास माजा। ओह, गिर गया माजा के अंदर, माजा के ढक्कन गिर गया। तो वैसे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है माजा, पता है, मुझे पसंद है जो स्प्राइट, कोक, ये पसंद है। तो ये माजा वगैरह फ्रूटी में कभी नहीं खाती हूँ, लेकिन आज चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो चैलेंज तो पूरा करना पड़ेगा। तो कर रही हूँ मैं चैलेंज। तो कर लिया खत्म। और 8 बजे मैंने पिया है माजा, क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह उठ के ना चाय की आदत है, लेकिन आज चाय नहीं पी रही थी, गाड़ी माजा पीना था येलो फूड। तो येलो में मैंने पी लिया है माजा चाय के बदले में, और मेरा पानी गर्म हो चुका है। तो जल्दी जल्दी नहा के आप लोगों से मिलती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो चले फिर अभी के लिए इतना। तो गाइस, मैं अभी नहा के आ गई, ये देखो आप लोग, नहा के जल्दी जल्दी नहा के आ गए और टाइम हो गया 9:15। तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं औ अपना किचन में। जो दोनों छोटा वाला गोरिल्ला पॉड और बड़ा वाला ट्राइपॉड दोनों ले रही हूँ मैं यहाँ पे। तो लेकर जाते हैं जल्दी जल्दी से अभी अपने किचन के तरफ और बनाते हैं। आज मैं ब्रेकफास्ट में लेने वाली हूँ मैगी, ठीक है। तो यहाँ पे कल मैंने हस्बैंड से मंगवाया था कि मैं कल चैलेंज करने वाली हूँ, तो आप मेरे लिए ना मैगी ले आना। तो ये रहा मैगी, और जल्दी जल्दी बना के खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है, ऐसे पानी में बॉईल करके खाऊंगी मैं, कुछ भी नहीं डालूंगी, नमक डलेगा और हल्दी डलेगा बस। तो पानी बॉईल हो रहा है तो अब स्टार्ट करते हैं बनाना। तो पानी बिल्कुल गर्म हो चुका है, अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अपना मैगी और इसका मसाला। वैसे तो बहुत कुछ डाल के खाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, बस बॉईल कर रही हूँ। तो नमक आप जितना चाहते हो नमक है ना उतना डाल दीजिए, और यहाँ पे ढेर सारा अपना हल्दी, ठीक है। तो इसको करते हैं अब मिक्स और पकने देते हैं अच्छे से। और अच्छे से ये मैगी येलो कलर में परिवर्तन हो जाए। अब मैं इसको ढक दूंगी पकने के लिए।
तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, ये रहे हैं, ये है मैगी। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैगी बना रही हूँ, तो गर्मा गर्म मैगी खा के ब्रेकफास्ट हो जाएगा मेरा। उसके बाद लंच में क्या खाऊंगी मुझे नहीं पता, मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया था क्योंकि मैंने माजा मंगवाया था और अरे यार गिर गया मेरा, माजा मंगवाया था और ये एक मैगी ही मंगवाया था। उसके बाद कुछ प्लान ऐसा कुछ नहीं था कि क्या खाऊं, लेकिन देखते हैं कुछ ना कुछ तो येलो खाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ले रही हूँ माजा में फिर से। तो अब लंच में क्या खाऊंगी और डिनर में क्या खाऊंगी वो तो देखा जाएगा, लेकिन अभी फटाफट से खाते हैं अपना मैगी। कुछ भी ना डालो ना, लेकिन मैगी के मसाले ने यार जादू है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी बना देता है। थोड़ा सा पीछे जाती हूँ। बहुत अच्छा, पेट भर गया। और दिन में क्या बनाऊंगी देखूंगी। और हस्बैंड के लिए तो राइस बनाना है, तो हस्बैंड के लिए तो खाना बनाऊंगी, लेकिन अपने लिए येलो फूड कुछ भी बनाऊंगी। तो मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया खत्म, तो फिर मिलते हैं तेरे 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 लंच पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी टाइम हो गया 1:30 यानी 1:30, और मैं अभी करने जा रही हूँ लंच, और लाइट भी नहीं है, और मैंने अपना लंच रेडी कर लिया है। मैंने क्या बनाया, उस चावल को फ्राइड राइस बनाया है, कुछ नहीं डाल के, बस हल्दी डाल के और जीरा चटका के बनाया है थोड़ा सा फ्राइड राइस, क्योंकि मैंने सुबह वो मैगी खा लिया था ना, तो पेट अभी तक कुछ कम नहीं हुआ है, तो मैंने एक थोड़ा सा इतना सा मैंने बनाया है अपना लंच। तो लाइट नहीं है इसलिए अंदर बहुत अंधेरा है, इसलिए अभी आपको जब खाना लगाऊंगी उसके बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा येलो फूड यानी फ्राइड राइस। मैंने हल्के से तेल में जीरा चटका के बनाई हूँ और ढेर सारा हल्दी डाल के। तो सुबह ना मैंने खाया था, वो क्या खाया था, मैगी। मैगी खाने के बाद ना मुझे भूख ज़्यादा नहीं लगती, पेट मतलब फुला फुला सा लगता है, तो इसलिए मैंने इतना सा ही खाया। तो अभी जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। अच्छा बना है। और पानी तो पी नहीं सकती इसलिए मैंने सुबह से ये माजा पी रही हूँ, और थोड़ा सा बचा है, डिनर तक खत्म कर लूंगी मैं। फ्रिज में रखा था ना तो थोड़ा ठंडा हो गया है। अच्छा बना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने ये चैलेंज दिया,
और भी क्या क्या चैलेंज देखना पसंद करते हो कमेंट बॉक्स पर लिख देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरा लंच तो हो गया, अब शाम में कुछ स्नैक्स बना के खाऊंगी नहीं, मेरे पास कुछ है तो अभी शाम को मिल। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 7:00, यानी 7 बज गया और मैं अभी बैठी हूँ ऐसे ही टीवी देख के बैठी थी, और ये भी बाहर पता नहीं क्या कर रहे, अपना मतलब काम कर रहे होंगे, जूते पॉलिश कर रहे क्या क्या बोले कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी ऑफिस मतलब कल ड्यूटी जाना है ना, तो वो आके हमेशा अपना काम खुद कर लेते हैं तो ये कर रहे हैं। और मुझे थोड़ा सा चूहे मारना है क्योंकि मेरे पेट में ना चूहे दौड़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको शांत कर लूँ, तो येलो फूटी खा रही थी मैं। तो मेरे पास अभी ये है, मैंने एक आज सुबह मैंने हस्बैंड को मंगवाया था कि मुझे चिप्स और वो माजा ही मंगवाया था, तो अभी ये खाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनिए कहाँ गया मेरा जूस, तीखा लग रहा है। हो गया खत्म कर लिया मैंने। तो फ्रेंड्स मैंने ये शाम का स्नैक्स बोलू कुछ भी मतलब खा लिया, अब मिलते हैं आपको डिनर पर, तब तक के लिए आप देखते रहिएगा मेरे वीडियो। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे लिया है पास्ता, कुछ थोड़ा सा ही लिया है, ज़्यादा तो नहीं लिया क्योंकि पेट भर गया था। और मैं ना क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी, पहले तो अच्छे से आराम से टीवी देखा था, इंडियन आइडल देखा, पहले का मज़ा आता है ना मुझे, तो पहले का इंडियन आइडल देखा, उसके बाद क्या था इंडियाज बेस्ट डांसर वो देख रही थी, तो पता ही नहीं चला टाइम की कब कट गया, और इनको खाना बना के दे दिया, उसके बाद तुरंत लाइट गया, मेरा बारी आया ना तो तुरंत लाइट गया, उसके बाद मैंने अंधेरे में मतलब कैंडल जला के पास्ता बना लिया था। तो चले फिर आज का मेरा 24 आवर चैलेंज का ये लास्ट स्टेप है डिनर, तो 10:40 भी हो गया आप लोगों से बातें करते करते, तो चले फिर मेरा डिनर खत्म करती हूँ जल्दी जल्दी से। अच्छा है, अच्छा बना।
मैंने अपना डिनर भी कर लिया है ख़त्म, तो मेरा 24 आवर चैलेंज। उसके बाद अब रात के 10, अब 11 तो लगभग बच ही गया है, तो उसके बाद तो कुछ खाने का पेट फुल गया है। तो गाइस ये मेरा आप लोगों को कैसा लगा येलो फूड 24 आवर येलो फूड चैलेंज ईटिंग चैलेंज, आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और आप लोग ऐसी मतलब कौन कौन सी चैलेंज देखना चाहते हो बिल्कुल कमेंट करके बताना। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।